पहाड़ी आ चुका है यार पूरे पेड़ के साथ में, पेड़ ही आ गया। करीब सुबह 6:30-7 बजे के करीब स्लाइड आई थी यहाँ पे, और तब से मैंने यहाँ पे 2 मशीनें लगा दी हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रास्ता क्लियर करें, और जो लोकल हैं और बाहर से आए हैं और उनको जल्द से जल्दी यहाँ से मतलब जाएं, हाँ जी निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखो उम्मीद है, मतलब अभी आपके सामने ही लगी है, दो तीन घंटे तक कोशिश करेंगे, हो जाएगा जी। मैं सुबह 9:45 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मशीन उनकी 9 बजे एक मशीन आई, वो भी टाइम मतलब वो टाइम लगा रहा है, जिस तरह मशीन काम ऑपरेटर काम करते हैं उस तरह हमें इनको नहीं दिखा काम करते हुए। और इन्होंने जो कहा ना 2 मशीनें, ये दूसरी मशीन कम से कम 1:45 बजे पहुँची यहाँ पर, और ये पूरा टाइम घुसा रहे हैं। अगर ये काम सही से करते ना 1 घंटे का काम था कम से कम, लेकिन सारे लोग आज संडे हैं, आइतवार के दिन अनंतनाग में डॉक्टर प्राइवेट बैठते हैं, उनके पास जाना था, हम सुबह से यहाँ खजल हुए, अब ना हम घर के और ना वहाँ से जाने के लायक, इसलिए हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, वो यहाँ नज़र रखिए, और जब भी ऐसा काम होता है जल्दी मतलब रोड क्लियर किया जाए ताकि आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। मोहम्मद सजाद कसाना है, मैं टेक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं रात के 12 बजे का यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे पास कच्चा माल है, मैं आगरा से लेकर आ रहा हूँ, और माल भी खराब हो रहा है, व्यापारी लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, कई बकरे वाली गाड़ियाँ भी इसमें फंसी हुई है। रात 12 बजे के बाद यहाँ रोड बंद हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं आया। सुबह जो ये मशीन आप देख रहे हैं एलएनटी लगी हुई है, एक एलएनटी का काम नहीं है यहाँ पे, जो ये ब्रेकर पहुँचा ये अभी 1 बजे यहाँ पर पहुँचा, सब ड्राइवरों ने भी देखा, सब पब्लिक ने भी देखा, तो ये एनएचआई की बहुत ढिलाई है, ये फास्ट काम करते तो ये 1-1.5 घंटे का काम था। तो मशीनें देखो कौन सी लगा रखी, यहाँ पे डोजर चाहिए डोजर, तो ये एलएनटी का काम नहीं है, तो ये कहना चाहता हूँ नुकसान बहुत हो रहा है व्यापारी लोगों का।